अंतर्गत जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिले भर के स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया। स्कूली बच्चों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्लोबल ओजन, स्वच्छ भारत मिशन, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि जनमानस को अच्छा संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर लंबी लंबी पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के मॉडल देखने के लिए जिले भर के लोग पहुंचे और विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। ये शौचालय बना है और पहले सब लोग गांव के लोग बाहर है ना लैट्रिंग करने जाते थे, पर आप शौचालय बनवा दिया है मोदी जी ने, तो इसी में जाते हैं बाहर। लैट्रिंग करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। और ये इसमें एक कुआ बना है, पहले कुएं से सब लोग पानी निकालते थे, पर अब सरकार जी ने नल लगवा दिया है और समय भी लगवा दिया है, मोटर भी लगवा दिया है, तो उससे पानी आता है। मुख्य रूप से विज्ञान को आगे से आगे लोकप्रियकरण करना है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में हम सभी कैश मैम के साथ इस उद्देश्य को लेकर चले हैं कि जितनी भी जागरूकता हो सकती है विज्ञान को लेकर, उस प्रदर्शनी को इस जागरूकता के माध्यम से लोकप्रियकरण करें। शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपदीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो है बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें हमने दो ग्रुप बनाए हैं, एक जूनियर ग्रुप है, एक सीनियर ग्रुप है। और इसमें जो 10 प्रतिभागियों को चुना जाएगा और सबको 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाएगा। ये आज हमारा दो ग्रुपों में 6 से 8 तक और 9 से 10 तक के बच्चों का यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और यह एक प्रकार से हम बच्चों के अंदर जो विज्ञान के प्रति लगन रहती है और जागरूकता रहती है उसको हम लोग बनाए रखते हैं और उन्हें आगे वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोग्राम है।